चोरी करने वाले गिरोह के मुख्य शातिर इनामी बदमाश गिरफ्तार। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा इनामी व वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत NCR क्षेत्र में घरों में चोरी करने वाले गिरोह का व 15,000 रुपए इनामी साहिल पुत्र शेख आलम को दिनांक 20 फरवरी 2019 को रात्रि 11:50 पर शिव मंदिर के पास निधि खंड से गिरफ्तार कर लिया गया। सुना है कि पहले एनकाउंटर में भी ये पकड़ा गया था और जेल से बाहर आते इसने फिर से चोरियां शुरू कर दी। ये शाहिन नाम का एक बदमाश है जिसको कि थाना इंद्रपुरम द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये वर्ष 2017 से ही फरारी काट रहा था और इसके 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। तो इस इनामी बदमाश की गिरफ्तारी की गई है। ये पूर्व में कई घरों में चोरियों में शामिल रहा है। दिल्ली NCR के क्षेत्र में काफी सक्रिय ये अपराधी। 2017 में जब ये जेल से छूटा था उसके बाद से भी इसने काफी घटनाएं घटक की जिसके बारे में इसने जानकारी दी। इसको गिरफ्तार करते हुए इंद्रपुरम पुलिस द्वारा नई कवर एक्शन में भेजा गया। सर रहने वाला बता रहे हैं कि साउथ के साइड का और वहाँ इसके साथी भी हैं और ये भी अपराधी के इतिहास थोड़ा ये इस पे 1.5 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज है। मूलतः ये बंगाल का निवासी है और यहाँ आके दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर एरिया में रह रहा था। इसके कुछ अन्य साथी भी हैं जिसके बारे में इसमें जानकारी भी है और वो अभी सक्रिय हैं। इस पे टीम लगा दी गई है। उनकी जल्द से जल्द सर चोरी करके ठेली या रेडी का कुछ इस्तेमाल करते थे वो क्या पूरा मामला था? जी हाँ, इन्होंने अपनी मॉडल्स ऑफ फ्रेंडाई जो बताई है ये दिन के आते थे ऑटो लेकर बेटी करते थे कॉलोनियों में और रात में जब लोग सो जाएं तो वहाँ घरों में चोरी को अंजाम देते थे और फिर ठेली पर सामान रख के निकल जाते थे ताकि किसी को शक न हो।